हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, आज का हमारा टॉपिक है डीबीए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मीन्स डीबीए क्या करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यार किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। तो डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबी मीन्स डेटाबेस और ए मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर। जो डेटाबेस का एडमिन होता है, जो डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ए डीबीए इज ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जो डीबीए है, एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, या फिर एक टीम हो सकता है, मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ए डीबीए एक पर्सन है या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है हु इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेटाबेस सिस्टम। जैसे हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस इसमें कुछ भी काम हो रहा है, चाहे आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, डेटाबेस को उड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, डीबीए का है। जो डेटाबेस का एडमिन है वही करेगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डीबीए जो ये डीबीए है ना, वो डेटाबेस इंडस्ट्री में सबसे अपर लेवल का जॉब है। अपर लेवल मीन्स इससे बड़ा कोई भी जॉब नहीं है डेटाबेस इंडस्ट्री में। जो डीबीए है एक बहुत रिनाउंड और बहुत, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अपर लेवल का जॉब है। जो डीबीए रहता है बहुत अच्छा सैलरी कमाता है और बहुत नाम कमाता है उस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आप भी डीबीए बन सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स करके, काफी अच्छा से, ठीक है, रूट से एकदम हाई लेवल तक। समझ में आया, तो देखो क्या लिखा है, डीबीए एक पर्सन हो सकता है या फिर एक टीम हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। जो डेटाबेस में कोई भी काम होता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, डीबीए और उसकी टीम। अगर डीबीए एक आदमी है तो अकेले करेगा, अगर टीम है तो सब कोई मिलकर करेगा। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे। ए डीबीए इज ए पर्सन, यहाँ एक और डेफिनेशन लिखा है, डीबीए एक पर्सन है हु हैज सेंट्रल कंट्रोल ऑन बोथ द डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट एक्सेस द डेटा। आपको पता है कि कोई भी डेटाबेस से हमारे डेटा को एक्सेस करना है तो हमें एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम क्वेरी लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को एंट्री करा पाते हैं या फिर एक्सेस कर पाते हैं, इतना हमें पता है। तो जो डीबीए है वो एक सेंट्रल कंट्रोल है, मींस कंट्रोलिंग का काम करता है, किस पर, हमारे डेटा पर और प्रोग्राम पर, जो उन डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डीबीए समझ में आ रहा है दोस्तों। यार वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ बहुत सारा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मैं आपको एक बाई एक करके बताता हूँ और इसका कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूँ। ठीक है, देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए इंक्लूड द फॉलोइंग। डीबीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है, क्योंकि आप देखो, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। क्या है कि सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको पंचुअल रहना है, आपको टाइम से स्कूल आना है, टाइम से स्कूल जाना है, सबसे अच्छा से बिहेवियर करना है, क्लास में जो होमवर्क दिया जाता है या कोई भी टास्क दिया जाता है उसको टाइम से करना है। तो ये आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी काम करता है या फिर घर में भी सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही डीबीए है, क्योंकि डीबीए बहुत एक तगड़ा प्रोफाइल है, एक हाई प्रोफाइल है, और डेटाबेस इंडस्ट्री में तो सबसे अपर लेवल का प्रोफाइल है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भी अपर लेवल वाली ही होगी। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वे टू डिजाइन डेटाबेस, कि डेटाबेस को कैसे डिजाइन करना है, डेटाबेस में स्कीमा कैसे होंगे, इंस्टांसेस कैसे होंगे। अभी आपको स्कीमा और इंस्टांस समझ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग को जोर मार डालो, आप सिर्फ इतना समझो कि डेटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डीबीए। इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, डेटाबेस को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करेंगे या फिर कोई और लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे डेटाबेस में चीज़ों को एंट्री करना है, कैसे उससे मुझे आउटपुट लेना है। समझ में आ रहा है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है ताकि
आपको पता है कि कोई भी काम आजकल कोई भी आदमी है वो काफी फास्ट चाह रहा है। वो चाह रहा है कोई भी अगर हम रिक्वेस्ट करें तो फटाक से हमारे स्क्रीन पर चले आए, या किसी को भी हम ऑर्डर करें तो फटाक से मेरे पास चले आए। सब लोग एकदम मालिक बनना चाह रहा है, कोई काम करना नहीं चाह रहा। तो उसके परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें ताकि हमारा जो डेटा है काफ़ी जल्दी से एक्सेस हो पाए, काफ़ी जल्दी से अपडेट हो पाए, काफ़ी जल्दी से डिलीट हो पाए। जैसे आप किसी भी चीज़ को अपने फाइल मैनेजर से डिलीट करना चाहते हैं या फिर ओपन करना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, स्लो है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं तगड़ा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन लें जिसमें आपको टाइम नहीं लगे और डेटा फटाक फटाक से क्या हो, एक्सेस हो। समझ में आ रहा है? तो इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना किसका काम है? डीबीए का। हेल्प एंड सपोर्ट टू एंड यूजर्स एंड डेटाबेस डिजाइनर्स। हेल्प और सपोर्ट टू एंड यूजर्स। एंड यूजर्स मतलब कौन? हम लोग, जैसे डेटाबेस है, जैसे ये हमारा क्या है, गूगल। जैसे आप गूगल पर गए और टाइप किए त्रिलोकी इंडिया वाले, जैसे आप मेरे चैनल को टाइप किए, मेरा नाम है त्रिलोकी इंडिया वाले, आपने इसको टाइप किया, तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो फटाक से गूगल सर्च करेगा और इसके बारे में बहुत सारा वेब पेज दिखा देगा आपको, रिजल्ट दिखा देगा, दिखा दिए। तो जो एंड यूजर है, जैसे आपने सर्च किया तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर आपका काफ़ी स्लो चल रहा है तो आप उसको बता सकते हैं, आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं या फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मैं वेब पेज को अच्छा से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे डिवाइस में अच्छा से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीबीएस के सपोर्ट ले सकते हैं। और जो डेटाबेस डिजाइनर होते हैं, मीन्स जो डेटाबेस को जिन्होंने डिजाइन किया है उनका भी हेल्प करते हैं। कौन? डीबीए की भी हेल्प करते हैं, क्योंकि यार ये डेटाबेस इंडस्ट्री के काफ़ी तगड़ा प्रोफाइल पर है, तो इनको बहुत सारा नॉलेज रहता है डेटाबेस के बारे में और उस कंपनी के बारे में, तो ये लोग काफ़ी हेल्प करते हैं किसका, एंड यूजर का और डेटाबेस डिजाइनर का। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो इसके कुछ और हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रिटी चेक्स। अब इंटीग्रिटी मतलब क्या है, मैं आपको बहुत सारे वीडियो में इंटीग्रिटी का मतलब बता चुका हूँ, मैं यहाँ फिर बताऊंगा। इंटीग्रिटी मतलब होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को चेक करता है कि जो हम डेटा एंट्री कर रहे हैं अपने डेटाबेस में वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, वो डेटा सही है कि नहीं, वो डेटा वैलिड है कि नहीं। तो ये किसका काम है? डीबीए का। किसका काम है? डीबीए का। तो क्या हो गया? इंटीग्रिटी चेक्स मीन्स एक्यूरेसी ऑफ डेटा चेक होता है, ठीक है। एनोमलीज चेक। एनोमलीज मतलब क्या है? देखो एनोमली मतलब होता है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स चेक करता है डेटा करप्ट तो नहीं है, डेटा खराब तो नहीं है, डेटा अनवांटेड तो नहीं है, ऐसा नहीं है जिस डेटा की मुझे जरूरत है वो डेटा नहीं हो और दूसरे किसी टाइप का हम डेटा इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भी ये चेक करता है। एनोमलीज मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? यार वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, और मैं तो कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट से देखो ताकि आपको चीजें शुरू से हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो प्लीज, क्योंकि यार उनका भी हेल्प हो सकेगा और वो बिल्लो भी आपकी तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टोरेज इश्यूज। जैसे डेटाबेस में डेटाबेस है, इसका जो डेटाबेस है इसका जैसे साइज अगर जैसे 1 TB है, 1 TB, लेकिन आप इसमें जबरदस्ती और डेटा डालते जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, इसका स्टोरेज भर गया है, तो इसके रिलेटेड कोई भी इश्यू आएगा तो कौन चेक करता है? डीबी, कि डेटा में कितना स्पेस है, डेटा और डेटाबेस और डेटा को स्टोर कर पाएगा या नहीं, कितना डेटा को रिमूव करने की जरूरत है, कौन से अनवांटेड डेटा है, तो सारा का सारा डिटेल जो स्टोरेज से रिलेटेड होता है उसका भी जिम्मेवार कौन है? डीबीएम। डीबीएम मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर डेटाबेस आप एडमिन उसको बोल सकते हैं। एडमिन होता है जो सारी चीजों को, सारी ग्रुप्स को क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी, कोई डेटा हमारा लॉस हो गया या फिर कोई डेटा ऐसा है जो हमारा डिलीट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको बैकअप कौन करता है, रिकवरी कौन करता है? डीबीए करता है। क्यों यार? क्योंकि एक बार डाटा लॉस हो गया तो कंपनी को बहुत तगड़ी लॉस लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बैकअप और रिकवरी का भी एक फंक्शन रहता है जो डीबीए करता है, कि एक बार आपका डेटा आ भी डिलीट भी हो गया तो फिर उसको लाया जा सकता है, क्योंकि क्लाइंट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आपने डिलीट कर दिया तो फिर क्लाइंट को आप क्या जवाब दीजिएगा, क्लाइंट को बहुत तगड़ा लॉस लग जाएगा। उससे बचने के लिए आपको बैकअप और रिकवरी का फंक्शन कौन करता है? डीबीए करता है। जैसे आपका जो व्हाट्सएप रहता है वो भी आपका बैकअप देता है, जैसे आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दिए फिर आप डाउनलोड करते हैं तो बोलता है बैकअप ले लो, क्योंकि अपने डेटाबेस में डेटा को सेव किया रहता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा जिसको आप लूज नहीं करना चाहते,
तो आप उसको बैकअप ले सकते हैं और अपने डेटा को फिर से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जिसको सेंड करना है सेंड कर सकते हैं, या फिर अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो डीबीए होता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, जो डीबीए होता है सबसे हाई प्रोफाइल जॉब होता है किसका, डेटाबेस इंडस्ट्री का। तो इसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, जैसे नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे हमारा 2 टीयर आर्किटेक्चर, 3 टीयर आर्किटेक्चर, या फिर 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है उसका नॉलेज डीबीए के पास बहुत अच्छा से रहता है, उसको पता रहता है कि कब 2 टीयर आर्किटेक्चर यूज करना है, कब 3 टीयर, कब 3 टीयर स्कीमा, और कब डेटा पर कौन सा व्यूज लगाना है, कैसे किसको एब्स्ट्रैक्ट करना है, कौन सा व्यूज किसको दिखाना है, कौन सा व्यूज किसको नहीं दिखाना है, इसका भी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता है, डीबीए के हाथ में। ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे, और मैं तो कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यार बहुत हेल्प उनकी हो जाएगी। और एक बात रुको, इधर एक बात क्या करना है, अगर आप चाहते हैं जो मैंने यहाँ नोट्स पढ़ा है और जो मैंने लिखा है उसका लिंक आप चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेलीग्राम आप जाइए, वहाँ मैं इसका जो प्रेजेंटेशन है या फिर पीपीटी है मैं वहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और जाओ मुझसे लिंक्डइन पर ऐड हो जाओ, लिंक्डइन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।